हेलो जी, क्या हालचाल? सब कुछ अगाजक चल रहा है ना? गंगाधर को शक्तिमान बना के इंडिया में लॉन्च कर दिया गया और नाम रखा गया Xiaomi 11i। और इसका जो यार चाइनीज वाला वेरिएंट था वो भी मैंने यूज करा और अभी 21,500 रुपए में बहुत सारे लोगों को यार Xiaomi का 11i मिला है। अब यहाँ पर आपको क्या अच्छा मिल रहा है, कहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, सबके बारे में हम विधिवत तरीके से बात करेंगे। कुछ दिनों से मैंने इसको अपना प्राइमरी डिवाइस बना लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिंग की। यहाँ पर आप दो सिम कार्ड डाल सकते हैं या तो एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड, क्योंकि जो आपको स्लॉट मिल रहा है ये है हाइब्रिड। कॉल ड्रॉप का भी इशू मुझे देखने को नहीं मिला है। 4G प्लस भी मिल जा रहा है, मतलब कैरियर एग्रीगेशन। और मेरे घर पे यार जियो का फाइबर भी लगा हुआ है, 5 GHz वाला। यहाँ पर भी मुझे जो स्पीड मिल रही है ये भी काफी लल्लन टॉप है। और जब 5G आएगा तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 5G का नेटवर्क भी आपको पक्का मिलने वाला है। अच्छी बात ये है कि यार एक दो 5G के बैंड नहीं दिए Xiaomi वालों ने, 8 आपको 5G के बैंड मिल जाते हैं। हाँ, जिनको गूगल डायलर नहीं पसंद है तो मेरे भाई यहाँ पर आपको वही वाला डायलर मिलता है जो काफी ज्यादा सत्यवादी है। सामने वाले को पक्का पता चल जाएगा आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई इस फोन का जो हैप्टिक फीडबैक है ये भी मुझे काफी प्यारा लगा है। आप इसे घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जब भी आप फोन बाय करें सबसे पहले अच्छा वाला बैक कवर ले लीजिएगा, क्योंकि कैमरे का जो बम्प है ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। और जब यार फ्लैट सरफेस में आप फोन को रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो कैमरा है वो घिस सकता है और बाद में पैसे लगेंगे। इससे अच्छा पहले थोड़े से पैसे खर्च कर लीजिए। अब बात करते हैं यार यहाँ पर प्रोसेसर की। जो यार MediaTek का Dimensity 920 है भाई, काफी पावरफुल प्रोसेसर है। गेम खेलते समय आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और जितना मैंने यूज करा भाई फोन हीट अभी नहीं हो रहा है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा अभी यार ठंड है और गर्मियों में क्या हाल होगा ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा। यहाँ पर जो Antutu बेंचमार्क स्कोर है ये है 4,33,000 के आसपास। फिर से मैंने रन करा, 4,35,000 पहुंच गया। और जो CPU थ्रोटलिंग टेस्ट है ना, ये मैंने एक बार नहीं किया, काफी बार ट्राई करा ताकि जो बैटरी है वो उतरे, फोन थोड़ा सा हीट हो। तो मेरे भाई फोन हीट तो नहीं हुआ है लेकिन फोन थ्रोटल भी नहीं होता है। जो रीड एंड राइट स्पीड है ये भी आपको लल्लन टॉप मिल जा रही है। UFS 2.2 का आपको स्टोरेज टाइप मिल जा रहा है। और अच्छी बात ये है आप 3GB तक की रैम को बढ़ा सकते हैं। BGMI खेलने वालों आप ये भी जान लो, आप HDR सेटिंग में अल्ट्रा में यार आराम से बिंदास गेम खेल सकते हैं। भाई आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिल जाता है। और ये जो यार लाउड स्पीकर है ना, ये काफी लल्लन टॉप है, काफी तेज आपको आवाज सुनाई देगी। हाँ, जो चाइनीज वेरिएंट था वहां पर JBL का स्पीकर था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और एक बार मैं आपको यार आवाज भी सुना देता हूँ। सही है आवाज, मस्त लग रही है। और मेरे पास ये यार वायर वाला हेडफोन है, इसको भी हम लगा सकते हैं। चलो, गड्ढा मुक्त नहीं बनाया है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। एक चीज आप समझ लीजिए भाई, ये फोन का जो डिस्प्ले है ना ये काफी बिंदास है। 6.67 इंच का वही वाला सुपर एमोलेड वाला पैनल मिलता है जो आपको रेडमी के नोट 10 प्रो सीरीज में मिला है। आउटडोर में विजिबिलिटी काफी शानदार है, धूप में भी आपको आराम से फोन की जो डिस्प्ले होगी वो दिखेगी। गोरिल्ला ग्लास 5 यहाँ पर आपको भले मिल रहा है, आपको पहले बताया था फिर से कहूंगा यार टेम्पर्ड ग्लास ले लीजिएगा। और मैंने यार व्हाइट कलर वाला भी वेरिएंट यूज करा है और ये ब्लैक कलर वाला है। भाई ब्लैक मुझे व्हाइट से ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मेरी पसंद है। और जो फोन का वेट है ये है 207 ग्राम। फोन हल्का भी नहीं है, भारी भी नहीं है। कॉर्नर में यार वो वाला आपको फील कराएगा जैसा आपको फील पहले हो चुका है। वो जो आईफोन आया था ना 12, वहां पर भी ऐसा ही बॉक्सी डिजाइन था। हाँ, फोन वन हैंड नहीं है, आपको टाइप करने में हो सकता है दो हाथ लगाने पड़े। HDR 10 का आपको सपोर्ट मिल जा रहा है। मैंने यार नेटफ्लिक्स में वीडियो चलाया, अमेजोन में देखा, आप HD में वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वाइड वाइन 11 का सपोर्ट मिल जा रहा है। मेरे हिसाब से काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है Xiaomi के 11i की। और आप इसे यदि कंपेयर करते हैं
ये वाले फोन से जो है Redmi का Note 10 Pro, तो मेरे भाई एक फोन थोड़ा सा हल्का है और एक फोन थोड़ा सा भारी है, एक फोन बॉक्सी वाला है और जो दूसरा है ये कर्व शेप वाला है। आप बताइए आपको बॉक्सी डिजाइन अच्छा लग रहा है या कर्व शेप वाला। अब बात करते हैं बैटरी की। यहां पर आपको 5160 mAh की बैटरी मिल जा रही है और मैं आपको साफ साफ कह सकता हूं अभी जब कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं आया है बहुत ही कमाल की बैटरी है। 7 घंटे के आसपास आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो आपको बॉक्स के अंदर चार्जर मिल रहा है ये है 67 वॉट का और जो हाइपर चार्ज है उसे चार्ज होने में लगते हैं 20 मिनट, लेकिन वहां पर आपको 120 वॉट का चार्जर मिल जा रहा है। 15 मिनट में जो फोन चार्ज हुआ था वो था 37%, उसके बाद 30 मिनट में मैंने चेक करा फिर पहुंचा 73% और फिर फाइनल जब मैंने चेक करा 50 मिनट हो चुके थे और फोन पूरा का पूरा चार्ज हो गया था। देखिए यार किसी का फोन आया है, एक बार प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी देखते हैं, सही काम कर रहा है प्रॉक्सिमिटी। बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं यार Xiaomi का जो सेंसर है वो कैसा है। Xiaomi ने यार सेंसर में भी कोई भी कटौती नहीं करी है, आपको सारे के सारे सेंसर इस फोन में देखने को मिल जा रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है और ये काफी ज्यादा फास्ट है, काफी एक्यूरेट है और मुझे यार साइड माउंटेड में कोई भी दिक्कत नहीं है, अब तो आदत सी पड़ गई है। अब बात करते हैं यार यहाँ पर सॉफ्टवेयर की। MIUI इस फोन में अभी आपको देखने को मिल रहा है। हाँ Android 12 का जो अपडेट होगा वो भी आपको बहुत ही जल्दी इस फोन में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हरा भरा वाला UI है। आप बताइए आपको MIUI कैसा लगता है। पीछे की तरफ आपको 108 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिल रहा है, दूसरा है 8 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रा वाइड वाला और जो तीसरा है ये है 2 मेगापिक्सल का टेली माइक्रो। यार पहले 5 मेगापिक्सल का टेली माइक्रो देते थे, अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यहाँ पर डिटेल और ज्यादा आ सकती है और कभी कभी ऐसा लग रहा है जो नॉर्मल फोटो है उससे ज्यादा अच्छे वाले कलर आई कैची आपको मिल जाते हैं पोर्ट्रेट मोड में। ये फील मुझे तब हुआ जब मैं आउटडोर में फोटो ले रहा था, मतलब यार इस फोन का जो नॉर्मल कैमरा है वो और भी अच्छा और भी निखर सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट कब आएगा इसके बारे में तो यार मुझे नहीं पता है। हाँ जो माइक्रो शॉट्स है ना वो आपको Redmi के Note 10 Pro में, Redmi के Note 10 Pro Max में ज्यादा बेहतर मिल रहे थे क्योंकि 5 मेगापिक्सल का टेली माइक्रो सेंसर वहां पर मिलता है। और अब यार आदत सी पड़ गई है Xiaomi के डिवाइस में अल्ट्रा वाइड वाली जो फोटो है ये आपको बेहतर लगेगी और नाइट में भी इस फोन का जो कैमरा है ये आपको एवरेज फोटो दे देता है। 4K आप 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन EIS का आपको सपोर्ट यहाँ पर 4K वाले पे नहीं देखने को मिल जा रहा है। 1080p का वीडियो आप बनाएंगे अच्छे वाले कलर आपको मिलेंगे, अच्छे वाली डिटेल भी मिल जाएगी और यहाँ पर EIS भी है और जो सेल्फी कैमरा है ये आपको वैसा ही लगेगा जैसा Redmi का Note 10 Pro का था, Redmi का Note 10 Pro Max का था। तो सेल्फी कैमरा यहां पर आपको लल्लन टॉप मिल जा रहा है। कैमरे के लिए बस यार Xiaomi को थोड़ा सा अपडेट देना चाहिए और अभी तो अपडेट आना बहुत सारे बाकी हैं। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था क्या यहां पर NFC मिल रहा है, मेरे भाई चाइनीज वेरिएंट में था, इंडिया वाले वेरिएंट में आपको NFC नहीं मिल रहा है। JBL का जो स्पीकर है इसे भी हटा दिया गया है। अब बात करते हैं मुद्दे की, आपको Xiaomi का 11i लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। भाई जो बिल्ड क्वालिटी है ये काफी शानदार मिल जाती है, जो प्रोसेसर है Dimensity का 920 ये भी काफी पावरफुल है, बहुत सारे 5G के बैंड मिल जा रहे हैं, जो डिस्प्ले है ये भी आपको काफी प्यारी लगेगी। और जिन लोगों के पास Redmi का Note 10 Pro है, Redmi का Note 10 Pro Max है, मैं उनसे यही कहूंगा अभी इंडिया में 5G का नेटवर्क आया नहीं है, आपकी जिद है आपको अपग्रेड करना है भले आप करिएगा लेकिन आपका फोन बिंदास चल रहा है अभी आप चलाइए। अब आप बताइए आपको क्या लगता है Xiaomi का 11i कैसा डिवाइस है और आप इस फोन के लिए कितना पैसा दे सकते हैं। अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, मेरे भाई नीचे कमेंट सेक्शन है भर दीजिए, जो कुछ आप पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की।
आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब? पता नहीं यार क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब। मन करे तो कर देना, नहीं मन करे तो जो मन करे वो करिएगा। बस यार वीडियो को बहुत सारा लाइक करिएगा, बहुत सारा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।